नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे जवाहर सिंह और उसके पिता सूरजमल में दौलत को लेकर तनातनी चली हुई थी और बदन सिंह के जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। अपने जीवन में पहली बार सूरजमल ने कच्ची बाजी खेली और इशारा दिया कि उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा नाहर सिंह बनेगा। सूरजमल ने पहले ही भाप लिया था कि उसका बेटा जवाहर सिंह जाटों के विनाश का कारण बनेगा। अपने पिता का यह निर्णय जवाहर सिंह को एकदम वे अमान्य था और उसने बिना कुछ हाय तोबा मचाए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसके लिए बढ़ावा उसके साथी युवक सामंतों ने दिया था। जब सूरजमल ने जवाहर सिंह को होश में लाने के सब शांति पूर्वक उपाय आजमाकर देख लिए तो उसको कोई लाभ ना हुआ। तब उसके सामने सम्मुख इसके सिवाय कोई विकल्प ही ना रहा कि अपने विद्रोही पुत्र पर चढ़ाई कर दे। इस हमले से गुस्साए जवाहर सिंह ने दिखा दिया कि वो जाट किसी मिट्टी का लोंदा नहीं है और उसने कड़ा प्रतिरोध किया। जवाहर सिंह ने डीग के किले से बाहर निकलकर सूरजमल की सेना पर आक्रमण कर दिया, जहां शहर के परकोटे के नीचे दोनों पक्षों में जमकर खूनी लड़ाई हुई। दोनों तरफ के जाट कट कट के धरती पे गिरने लगे और जिन बदमाशों ने जवाहर सिंह को इस दुष्कर्म के लिए भड़काया था, सूरजमल के पक्ष की तरफ के जाटों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। परंतु जवाहर सिंह झपटकर वहां जा पहुंचा जहां घनघोर युद्ध हो रहा था तथा हजारों लोगों को देखकर बिना डरे असाधारण वीरता पूर्वक लड़ने लगा। उसे एक तलवार लगी, एक बर्छा लगा, एक बंदूक की गोली उसके पेट के निचले भाग में लगी और आर पार हो गई, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। अपने पुत्र के घावों को देखकर सूरजमल को उससे भी अधिक व्यवस्था हुई जितनी की डीग के विनाश से हुई थी। वो बदहवास होकर अपने पुत्र को उन लोगों के हाथों से छीन लेने को झपटा जो उसके सब निषेधों और चीख पुकार की परवाह ना करते हुए उसके बेटे का मलिदा बनाए जा रहे थे। उसके घावों को भरने में बहुत अधिक समय लगा और जवाहर सिंह के अंग कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए और वो जीवन भर लंगड़ाता रहा। साथियों, यहाँ तक तो फादर वेंदल का वितरण प्रमाणिक ज्ञान पड़ता है, परंतु इससे आगे उनकी कल्पना ऊंची उड़ान भरने लगती है। वो कहता है कि उसके पिता सूरजमल उससे अधिक टोका टाकी करता था और उसकी कंजूसी के कारण ही जवाहर सिंह अपने आप को गरीब महसूस करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन और उसी समय, जबकि सूरजमल के सामने ही जवाहर सिंह के घावों की मरम पट्टी हो रही थी, जवाहर सिंह बेहोश हो गया था और बिल्कुल मरने को आया था, तब सूरजमल से रहा नहीं गया और उसने जवाहर सिंह से कई बार पूछा कि बाबा ने जो कागज का पुर्जा दिया था वो कहाँ रखा है। इस पर जवाहर सिंह ने सिर दूसरी ओर फेर लिया, वह हाथ से इशारा किया, जिससे सूरजमल के लोभी स्वभाव के प्रति यह रुचि प्रकट होती है। जो ऐसी दशा में अपनी आंखों के सामने मरते हुए पुत्र की उपेक्षा उस खजाने के लिए अधिक चिंतित जान पड़ता था। यह वर्णन न केवल काल्पनिक है अपितु मूर्खता की सीमा तक जा पहुंचा है। क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि सूरजमल एक ओर तो अपने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो और दूसरी ओर अपने मृत प्राय पुत्र से बदन सिंह के कागज के पुर्जे की मांग कर रहा हो, जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, और वो भी सब लोगों के सामने। इतना ही बेहुदा यह सुझाव भी है कि बदन सिंह कोई रहस्य जवाहर सिंह को बताने को तैयार था, किंतु सूरजमल को नहीं, जो पिछले 20 वर्षों से राज्य का वास्तविक शासन था। अगली कड़ी में देखिए कैसे अब्दाली के खौफ से बहुत से लोग जाट राज्य में जा पहुंचे। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।